वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, चिकित्सा विभाग की जो स्थायी भर्तियां करवाई जा रही है सीफू के माध्यम से, अभी रिसेंटली नर्सिंग ऑफिसर का जो है अंतिम चयनित सूची जारी कर दी गई है। मैं बात कर रहा हूँ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बारे में। एनएम की जो सूची जारी की गई थी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन लगभग 1173 कैंडिडेट जो है वो होल्ड में रखे गए थे। हालांकि 4 लिस्टें होल्ड की पहले ही जारी की जा चुकी है, आज 5वीं लिस्ट जारी की गई है जिसमें लगभग 140 कैंडिडेट जो है उनकी सूची जारी की गई है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको बाद में मिलेगा, अभी केवल आपकी सूची जारी की गई है जो किसी कारणवश होल्ड पे थे उनकी। राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से ही आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिलने वाला है, लेकिन अभी केवल आप लोग सूची देख सकते हैं। सूची देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाए, टेलीग्राम चैनल पर सूची अवेलेबल करवा दी गई है। ये लिस्ट जारी की गई है 9 दिसंबर 2024, आज ही का लिस्ट जारी किया गया है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित, यानी कि टीएसपी और नॉन टीएसपी की जो सीधी भर्ती 2023 थी उसकी अंतिम वरीयता सूची, देखिए 4/9/2024 को जारी की गई थी, जिसमें विभिन्न कारणों से जो परिणाम रोके गए थे, 1173 कैंडिडेट के जो परिणाम है वो पहले रोके गए थे। 5वीं लिस्ट ये है, 4 लिस्ट पहले ही जारी कर दी गई हैं। पहली लिस्ट में 377 कैंडिडेट थे और उसके बाद जो सेकंड लिस्ट जारी की गई थी, लगभग 178 जो कैंडिडेट थे उनकी लिस्ट जारी की गई थी। उसके बाद 53 कैंडिडेट के लिए 53 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई थी और उसके बाद 265 थी जिसमें टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों के कैंडिडेट थे। आज जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 140 कैंडिडेट का और रिजल्ट जारी किया गया है। आप लोग मेरिट सूची के अनुसार एक बार आपका नाम देख ले। ये सूची जारी की गई है, पीओपी एक साथ सबकी जारी कर दी जाएगी। देखिए, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र की जारी अंतिम सूची, यानी कि नॉन टीएसपी की लिस्ट जारी की गई है जिसमें 140 कैंडिडेट हैं, उनके किसी कारणवश जो है परिणाम रोके गए थे उनकी सूची जारी कर दी गई। ये आपकी डिटेल यहाँ से देख पाएंगे, आपका सिलेक्शन किस कैटेगरी में हुआ, सेलेक्ट अगेंस्ट जिस कैटेगरी के लिए हुआ है, जैसे अनरिजर्व्ड यूआर, अनरिजर्व्ड फीमेल, है ना, अनरिजर्व्ड फीमेल विडो। देखिए, एक मैसेज भी आया था हमें किसी कैटेगरी को लेकर, ये क्या चीज़ है उसके लिए, तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ये देखिए, आप लोग कुछ कंफ्यूज हो रहे थे कि सर ये क्या चीज है। देखिए, ओबीसी नॉन क्रिमिनलर लिखा हुआ है और फीमेल, यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में फीमेल कैंडिडेट तो फीमेल ही लिखा हुआ रहेगा ना, और अगर आगे एक ऑप्शन और लिखा हुआ है कोई भी, जैसे जिस कैटेगरी, जैसे पीएच लिखा हुआ है तो आप उसको समझिएगा फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट जो है निःशक्तजन उनके लिए है, और जो भी आगे, जैसे अभी कहीं विडो लिखा हुआ था, ये देखिए यू आर एफ विडो, यानी कि अनरिजर्व्ड में विडो कैटेगरी के लिए, तो ये कैटेगरी का है, उसके अगेंस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है उसका। ये देखिए ऊपर, सेलेक्ट अगेंस्ट जिस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, बाकी एक्सपीरियंस आपको मिला है उसकी डिटेल यहाँ दी हुई है। लगभग 140 कैंडिडेट है उनकी लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। देखिए, 129 कैंडिडेट तो हो गए आपके नॉन टीएसपी के, ऊपर देखेंगे आप लोग लिस्ट 140 कैंडिडेट को इसमें सम्मिलित किया गया है, वो एक बार आप यहाँ पे देख ले। तो ये लिस्ट जारी की गई है और टीएसपी कैंडिडेट भी इसमें शामिल किए गए हैं, 129 नॉन टीएसपी के कैंडिडेट हैं, बाकी रेस्ट ऑफ कैंडिडेट जो हैं टीएसपी क्षेत्र के कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पे जारी की गई। 11 कैंडिडेट हैं जो टीएसपी कैंडिडेट थे। देखिए, टीएसपी अनरिजर्व्ड फीमेल पीएच कैंडिडेट है ना, टीएसपी एसटी फीमेल कैंडिडेट, टीएसपी एसटी फीमेल कैंडिडेट, अनरिजर्व्ड फीमेल विडो कैंडिडेट, है ना, तो ये कैटेगरी है, इससे आप टेंशन ना ले। आप जैसे जिस कैटेगरी के थे, ये जैसे टीएसपी जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट है ना, तो इनका जो सिलेक्शन हुआ टीएसपी अनरिजर्व्ड कैटेगरी बोला जाता है उसको। टीएसपी में क्या होता है कि बाकी जो कैटेगरी वो नहीं होती, यूआर ही कैटेगरी होता है, अनरिजर्व्ड जहां से जैसे ओबीसी एससी एसटी वगैरह वो एक ही कैटेगरी में यहां आएंगे, बाकी में भी सेम ही है। तो ये कैटेगरी से आप कंफ्यूजन ना हो, आप एक बार लिस्ट में आपका नाम देख ले, बाकी पीओपी बाद में जारी कर दी जाएगी। तो आप सभी कैंडिडेट को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अब बचे हैं लगभग देखिए 1013 कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो चुकी है, 160 कैंडिडेट और बचे हुए हैं जिनकी लिस्ट भी जल्दी जारी कर दी जाएगी। तो आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।